पर नाराज कांग्रेस युवा नेता सीधा बीजेपी पर निशाना साधा और बीजेपी पर कई तरह के आरोप लगा दिए। सुनिए क्या कहा कांग्रेस युवा नेता ने। ये बात हकीकत है, वोट काफी कटे हैं और ये बीजेपी की बौखलाहट है कि उसे मालूम था कि यहाँ से एक तरफा वोट पड़ेगी कांग्रेस को और जिस तरह से उसने वोट काटे हैं और ये बीजेपी की बौखलाहटी दिखाई दे रही है। और वोट काटने के अलावा जो वोटिंग हुई है वो वोटिंग भी काफ़ी स्लो हुई है और ये दिख रहा है कि प्रशासन का और शासन का कितना दबाव है चुनाव आयोग पर कि मुस्लिम बहुल इलाकों में किस तरह से वोटिंग को हल्का किया जाए ताकि वोट का प्रतिशत ना बढ़ सके और जो बीजेपी जीतने की सोच रही है, ठीक है, उत्तर पूर्वी दिल्ली से, ठीक है, याद रखें एक बात बता दूं, आप उस मंशा में कामयाब नहीं हो पाओगे। अगर आप सोच रहे हैं कि मुस्लिम इलाकों में वोटिंग का वोट काट दोगे, वोटिंग पैटर्न स्लो कर दोगे और आप बहुमत से जीत जाओगे, काफ़ी अच्छे बहुमत से, ऐसा नहीं हो सकता। बहुत लोगों को गुस्सा है आपके खिलाफ़, एंटी इनकम्बेंसी है, ठीक है, तो ये आपके खिलाफ है, वो काम कर रहा है। लोग 44 डिग्री टेम्परेचर में भी वोट करने जा रहे हैं और वोट किया है लोगों ने, लोग बदलाव चाहते हैं और आपको देखना नहीं चाहते। जैसे मैं बात करूँ तो मेरे परिवार में से मेरी अम्मी का वोट कटा है, मेरी ताई का वोट कटा है, ताऊ का वोट कटा है, चाचा का वोट कटा है, मेरी फुप्पो का ही वोट कटा है, 5 वोट कटे हैं, ठीक है। आप अंदाज़ा लगाइए, अगर मेरे परिवार मेरे ख़ानदान में से अगर 5 वोट कटे हैं तो मुस्तफ़ाबाद विधानसभा में और न जाने ऐसे कितने परिवार होंगे जहाँ से बहुत वोट कटे होंगे। जब घर पर वोटर स्लिप आई थी तो उस पर डिलीटेड लिखा हुआ था, जबकि निगम के चुनाव में वोट किया है। निगम के चुनाव में अब से 1.5 साल 1 साल 1.25 साल पहले जो चुनाव हुए हैं वहाँ हमने वोट किया है और अब ये है कि वोट कट गया है। वोट कैसे कट गया भाई, बताइए ना, वोट कैसे कट गया? अरे ये तो आप डर गए, ठीक है, आपको ये तो सभी को पता था। आपने निगम के चुनाव में भी हमने देखा था कि जो मुस्लिम बहुल इलाके हैं वहाँ आपने किस तरह से छापेमारी की और किस तरह से वोटों को काटा, ठीक है। वैसे ही लोकसभा में सबको उम्मीद थी कि बड़ी तादाद में वोट कटेंगे मुस्लिम बहुल इलाकों से, वही देखने को मिला है। दो तरीके से बीजेपी जीतना चाह रही है कि एक तो यहाँ का वोटिंग पैटर्न स्लो करवाओ और एक यहाँ बड़ी तादाद में जो हल्का सा भी, ठीक है, शक है या कुछ भी है या वोट रोक दो या वोट कैंसिल कर दो। वही हुआ है यहाँ मुस्तफाबाद विधानसभा में कि बड़ी तादाद में वोट डिलीट हुए हैं। देखिए, मैं चुनाव इलेक्शन कमीशन हिंदी में बोलेंगे इसको, मैं इंग्लिश में नहीं बोलूँगा इसको, हिंदी में कहते हैं चुनाव आयोग, मैं इसे चुना आयोग कहता हूँ। ये चुना आयोग है, ये चुनाव नहीं है, चूना लगा रहा है पूरे हिंदुस्तान को। जिस बेशर्मी से सरकार के सामने नतमस्तक होकर सरकार के चरणों में गिरकर ये काम कर रहा है, आने वाला इतिहास इस चुनाव आयुक्त को और इस चुनाव आयोग के कार्यकाल को काले अक्षरों से लिखेगा। ये बात याद रखना, सत्ता आएंगी जाएंगी लेकिन आपके काले कारनामों को दर्ज किया जा रहा है और किया जाएगा। आपने समय पर कदम उठाना चाहिए था, जिस तरह से पूरे चुनाव को आपने एक सांप्रदायिकता मोड़ दे दिया, धर्म के नाम पर पूरा 2024 का चुनाव लड़ा गया और मुस्लिम बहुल इलाकों में जिस तरह से वोटिंग का पैटर्न स्लो करवाया गया और वोट काटी गई हैं, चुनाव आयोग को ये सब पता था, चुनाव आयोग के ही दिशा निर्देश में हुआ है। लेकिन अफसोस की बात, ये चुनाव आयोग ना रह के सिर्फ एक चूना आयोग बन चुका है। बता दे